खबर। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब मदरसों में भी वही पाठ्यक्रम होगा, वही पैटर्न होगा पढ़ाई का जो प्राइमरी स्कूल में होता है। अब प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर मदरसे चलेंगे। मदरसों में धार्मिक तालीम के साथ बेसिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है, एक बड़ा फैसला योगी सरकार का। और मदरसों में भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक, ये तमाम विषय जरूरी होंगे। यूपी में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर मदरसों में पढ़ाई होगी, मॉडर्न एजुकेशन से कनेक्ट किया जाएगा इसे। धार्मिक पढ़ाई के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस, ये तमाम विषय भी बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। एक अहम कोशिश योगी सरकार की। योगी सरकार ने यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को अब धार्मिक तालीम के साथ साथ बेसिक शिक्षा से जोड़ने का फैसला लिया है। मदरसों में अब बच्चों को दीनी तालीम के साथ प्राइमरी शिक्षा देना भी जरूरी होगा। एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप आधुनिक शिक्षा पे जोड़ रहे हैं और इनके लिए हम एनसीईआरटी की क्लास हिंदी और इंग्लिश, ये विज्ञान, ये सब पढ़े और उर्दू, फारसी, अरबी पढ़े। इसके साथ सामाजिक विषय इतिहास से जोड़कर, इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़कर प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का काम। मदरसों में बच्चों को धार्मिक तालीम के साथ प्राइमरी शिक्षा मिली, इसके लिए अब मदरसों में उर्दू, अरबी, फारसी के साथ साथ हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषयों की भी तालीम दी जाएगी। इन विषयों को पास किए बिना कोई छात्र अगली क्लास में नहीं जा सकेगा। सरकार ने मदरसों में बेसिक शिक्षा की नीति लागू करने का बड़ा फैसला लिया है। यूपी के मदरसों को प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। मदरसों में दाखिले की उम्र कम से कम 6 साल होगी। 6 साल से कम उम्र के बच्चों का मदरसों में दाखिला नहीं। दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे विषयों को भी जरूरी तौर पर पढ़ाया जाएगा। परीक्षा में दीनी तालीम के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स में पास करना जरूरी। गणित, विज्ञान, सामाजिक शास्त्र, हिंदी और अंग्रेजी होंगे दूसरे विषय। दीनी तालीम के अलावा बाकी विषयों का पाठ्यक्रम बेसिक प्राइमरी स्कूलों वाला होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चुनने का विकल्प खत्म होगा। सभी विषय को कंपलसरी बनाया जाएगा। सभी में पास करना जरूरी। यूपी में सरकारी मदरसों की संख्या 560, सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 16,000 के करीब। सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी मदरसों की संख्या लगभग 50,000 के करीब है। दीनी तालीम के साथ आधुनिक पढ़ाई को जोड़ना सरकार का मकसद मदरसों के स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए भी तैयार करने का मिशन है। यही नहीं, अब हर सरकारी, प्राइवेट और मान्यता प्राप्त मदरसों में प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर ही दाखिले की उम्र सीमा भी निर्धारित की जाएगी। मदरसों में हमने एज लिमिट तय कर रहे हैं, जैसे बेसिक शिक्षा में जन्म तिथि है कि इतनी उम्र तक के बच्चे इतनी क्लास तक रहेंगे, ऐसे मदरसा शिक्षा में भी अब हम एज तय करेंगे। यूपी सरकार का मकसद मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में लैपटॉप देकर उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि आगे चलकर वो हायर एजुकेशन में जा सके। टीम न्यूज स्टे। चलिए सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ लखनऊ से लाइव कनेक्ट है। अविनाश, एक अहम कोशिश है एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे और असम में भी इसका जिक्र देखा गया। हिमंता बिस्वा सरमा ने इसी तरह की कोशिश की थी, अब योगी सरकार भी उसी तरफ आगे बढ़ रही है, मॉडर्न एजुकेशन से मदरसों को कनेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने आयुष। देखिए, पिछले 5 सालों में योगी सरकार जो यूपी के हजारों मदरसे हैं उनको अपग्रेड करने की कोशिश में लगी हुई है, और अगर हम मदरसा शिक्षा बोर्ड की बात करें तो यही वजह है कि पिछले 5 सालों में मदरसा शिक्षा बोर्ड की जो तमाम नीतियां थी, जो तमाम उनकी पॉलिसीज है, उन पॉलिसीज में भी बदलाव किया गया। एक तरफ मदरसा शिक्षा को डिजिटल से भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम ये उठाया है कि अब प्राइमरी एजुकेशन की तर्ज पर मदरसा में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड
बोर्ड है वो भी बच्चों को तालीम देगा। देखिए सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि जो धार्मिक शिक्षा यानी कि जो दीनी तालीम है, दीनी तालीम के साथ साथ जो तकनीकी तालीम है उससे भी मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को जोड़ा जाए, क्योंकि देखा जाए तो जो मदरसा के छात्र होते हैं जब वो मदरसा से बाहर निकलते हैं तो धार्मिक शिक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो जाते हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें वो पिछड़ते हुए दिखते हैं। तो चूंकि बच्चों को एक समान शिक्षा देने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम भी था, क्योंकि देखिए इससे पहले भी इस चीज को लेकर लगातार मांग होती रही है कि जो मदरसा की शिक्षा है उसको भी टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, जो दूसरे विज्ञान के विषय होते हैं, चाहे गणित की बात करें या फिर जो दूसरे विषय होते हैं जो आमतौर पर प्राइमरी शिक्षा में के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाते हैं, तो इन विषयों को शामिल करने की पहले से भी मांग उठी थी। लेकिन अब मदरसा शिक्षा बोर्ड और योगी सरकार ने तय किया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन की तर्ज पर ही अब मदरसा बोर्डों में यानी कि मदरसों में पढ़ाई की जाएगी। और देखिए पहले यह था कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए ऑप्शंस होते थे कि वो इस विषय का चुनाव कर सकते थे, लेकिन जो अब नया सत्र होगा उसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो पाठ्यक्रम तय किया जाएगा, जो सिलेबस होगा जिसमें अगर हम चाहे धार्मिक शिक्षा की बात करें या फिर जो दूसरे पाठ्यक्रम के विषय होंगे, चाहे हम गणित विषय की बात करें, विज्ञान विषय की बात करें, तो इन विषयों में भी पास होना जरूरी होगा। पहले होता यह था कि जो दीनी तालीम होती थी सिर्फ आप उसमें पास कर लीजिए, आप अगली कक्षा में चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अब जो नया सत्र स्टार्ट होगा और जो नई पॉलिसी लागू होगी, जो नया सिलेबस लागू होगा, उसमें जो भी सिलेबस में सब्जेक्ट होंगे उसमें जब तक आप पास नहीं हो पाएंगे अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। तो देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है, सरकार इस कोशिश में लगी है कि जो मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी तकनीक से जोड़ा जाए, और यही वजह है कि पिछले 4 से 5 सालों में बात करें तो तमाम ऐसे मदरसे हैं, खासतौर पर जो सरकारी मदरसे हैं और जो सरकारी अनुदानित मदरसे हैं उनमें लैपटॉप के जरिए पढ़ाई शुरू की गई, और इसके अलावा तमाम तकनीकी चीजें थी जिनको की स्टार्ट करने का काम योगी सरकार ने किया। बिल्कुल, गोरखपुर से हमारे साथ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव भी लाइव कनेक्ट है। दीपक, गोरखपुर की एक मदरसे में संस्कृत की शिक्षा दी जा रही थी, वो बड़ा चर्चा का विषय एक वक्त पर बना था। अब मॉडर्न एजुकेशन से जब मदरसे कनेक्ट होंगे तो मुख्य धारा में इन बच्चों को लाने में कितनी मदद मिल पाएगी, ताकि उनको रोजगार के लिए भी तैयार किया जा सके, कितनी अहम कोशिश है। देखिए आयुष, अगर हम पिछले 6-7 सालों में देखें तो काफी परिवर्तन मदरसों में भी आया है। तमाम मदरसों में अब हाईटेक तरीके से बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, कंप्यूटर लैब्स वहां पर लगाए गए हैं, संस्कृत के साथ साथ वहां पे उर्दू फारसी जो पढ़ाई जाती है उसके साथ साथ वहां पे इंग्लिश की भी पढ़ाई होती है, दूसरे सब्जेक्ट की भी पढ़ाई होती है। लेकिन अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें तो 50,000 के लगभग जो कुल मदरसे हैं उसकी अगर हम कुल प्रतिशत की बात करें तो मात्र 10% मदरसे ही अपने आप को अभी तक अपग्रेड कर पाए। सरकार का यह कदम वाकई बेहद शानदार है। गोरखपुर के की स्थिति अगर हम आज के समय में देखें तो कुछ मदरसों को छोड़ दें तो बाकी सब अभी भी पुराने पैटर्न पे, पुरानी परंपरा के हिसाब से चल रहे हैं। और जो बच्चे हैं वहां पे जिस तरह से अविनाश हमें बता रहे थे, जब मदरसे की पढ़ाई पूरी करके दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत होती है उन सब्जेक्ट में आगे बढ़ना जो उन्होंने नहीं पढ़ा या फिर जिसकी पढ़ाई बहुत कम हुई है। तो निश्चित रूप से सरकार का कदम वाकई यहां के बच्चों के लिए काफी फायदेमंद है। लेकिन एक दिक्कत अगर कहे तो सरकार के सामने और भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्राइमरी लेवल के साथ इन मदरसों को जोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार, प्राइमरी स्कूलों की हालत अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी बहुत अच्छी नहीं है। सरकार तमाम प्रयत्न तो कर रही है प्राइमरी लेवल के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन 4 महीने जो नया सत्र है उसको शुरू हुए हो गए प्राइमरी स्कूलों के, अभी तक उनके बच्चों को कापी किताब सरकार पुस्तकें जो है छप नहीं पाई है, देने पाई है। स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स के खाते में 1100 रुपये जो उनके ड्रेस के लिए और जूते के लिए भेजते हैं वो तमाम लोगों के खाते में नहीं आ पाए हैं, या जिनमें आए भी हैं उन्होंने दूसरे मद में खर्च कर दिए। तो सिस्टम को अगर कहें तो पूरी तरह से इनको बदलना पड़ेगा और अधिकारियों के पेच पूरी तरह से कसने पड़ेंगे। नियम और कानून नए तरीके से सरकार ला तो रही है, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो अभी पूरी तरह से इसको मानने को तैयार नहीं है या सुधारने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में इस कदम के साथ साथ सरकार को उन लोगों पे भी अब थोड़ा सा फोकस करना होगा जो सरकार की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में एक सीढ़ी होते हैं लेकिन वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं।
इस कदम से जो मदरसे के शिक्षक हैं वो भी काफी खुश हैं। हमारी आज कई मदरसों के शिक्षकों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम तो चाहते ही कि हमारे बच्चे बेहतर तरीके से पढ़ाई करें, हमें वो सारी सुविधाएं मिले जो सरकार दूसरे स्कूलों में दे रही है, लेकिन अगर इस कदम के बाद से हमारे स्कूलों में भी वो तमाम सुविधाएं मिलती है तो हम चाहते हैं हमारे भी बच्चे कॉम्पिटिशन बीट करें, हमारे भी बच्चे आगे आए। और इसका स्वागत तमाम जो यहाँ पे मदरसे हैं वहां के शिक्षकों ने किया है। और अगर भविष्य की अगर बात करें तो आने वाले 3 से 4 साल में अगर मदरसे पूरी तरह से प्राइमरी लेवल की पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को अगर जोड़ते हैं तो जो मदरसों की बात हमेशा की जाती है कि पिछड़े होते हैं यहाँ के बच्चे दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पाते, तो वो एक जो धब्बा है वो पूरी तरह से मिट जाएगा। आयुष अविनाश, इसको एग्जीक्यूट करना कितनी बड़ी चुनौती है और खास करके इसे कब से किया जाएगा, क्या ब्लूप्रिंट सरकार के पास दिख रहा है, साथ ही कितना जरूरी था कि मुख्य धारा से इन बच्चों को जोड़ा जाए? कई बार ऐसा होता था कि आइसोलेट रहने की वजह से बच्चों को गलत रास्ते पर कुछ लोग ले जाया करते थे और वो फिर समाज के लिए दिक्कत वाली एक सबब की कोशिश दिखती थी। देखिए आयुष, थोड़ी बहुत चुनौती तो है ही, क्योंकि जो अभी तक ट्रेडिशन रहा है मदरसों में शिक्षा को लेकर वो बहुत पुराना रहा है और कई बार इससे पहले भी कोशिश हुई है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं हुई, लेकिन जो कहीं ना कहीं जो एक कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोग हैं, हालांकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत सीमित है, कम है, तो जब भी बदलाव की कोशिश होती थी या कोई गुंजाइश दिखती थी तो उस पर सवाल खड़े करते थे, क्योंकि इससे पहले ही हमने देखा कि जब मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया तो मुस्लिम समाज ने खुले दिल से उसको स्वीकार किया और मुस्लिम समाज ने भी कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, हालांकि पहले भी होता था, लेकिन हाँ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सवाल खड़ा किया कि इन चीजों को हम पर थोपा नहीं जा सकता, हम अपनी मर्जी से करेंगे, अगर ये सरकारी आदेश होगा तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो देखिए जो शिक्षा में बदलाव की कोशिश सरकार कर रही है कि प्राइमरी की तर्ज पर इसको हम सुचारू रूप से चला सके, तो ये देखिए बहुत बड़ी चुनौती तो नहीं है। हाँ ये है कि जो एक ट्रेंड चला आ रहा है, जो एक ट्रेडिशन सेट हो गया है, उसको तोड़ना पड़ेगा और उस मानसिकता से, चाहे हम वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की बात करें या फिर जो वहां पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं या जो मौलाना हैं उनकी बात करें, तो थोड़ा सा उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। देखिए एक बड़ी समस्या ये आ सकती है कि जैसे अगर हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करें या जैसा कि दीपक भी बता रहे थे कि अभी तक बच्चों को कॉपी किताबें नहीं मिली है, तो यही हाल टीचरों का है कि टीचरों की भारी कमी अभी भी प्राइमरी स्कूलों में है, हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो रिक्त पद है उनको भरा जाए, तो वैसे में अगर मदरसों में प्राइमरी की तर्ज पर उस एजुकेशन को स्टार्ट किया जाता है तो जाहिर से बात है कि वहां भी टीचर्स होंगे, चाहे हम गणित विषय के टीचर की बात करें, विज्ञान विषय के टीचर की बात करें या फिर इंग्लिश के टीचर की बात करें, तो इन टीचरों की नियुक्तियां भी करनी पड़ेगी और साथ में जो उससे जुड़े तमाम संसाधन होते हैं उन संसाधनों को भी पूरा करना पड़ेगा मदरसों में। हालांकि देखिए सरकार ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो सोच समझकर तैयार किया है और अपनी तैयारी के हिसाब से तैयार किया है, तो ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। थोड़ी सी कोशिश के बाद माना जा रहा है कि सरकार इसको सुचारू तरीके से जमीन पर लागू करेगी और जो मदरसों में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन की मांग जो बहुत पहले से उठ रही थी, माना जा रहा है आने वाले समय में उसमें भी बदलाव दिखाई देने वाला है। बिल्कुल, अविनाश ने जिस बात का जिक्र किया दीपक, वो कितना आपने देखा जब मदरसों में आप बात करने गए थे टीचर से, ऐसा तो नहीं कि दखल देने की कोशिश का जो एक विरोध लगातार हमने देखा है और खास तौर पर मदरसों का एक अलग नेटवर्क भी दिखता है। सिद्धार्थनगर में आपने रिपोर्ट की थी कुछ महीने पहले जहां पर अलग तरीके से बेतरतीब तरीके से वहां पर इस तरह की चीजें शुरू हो रही थी, मदरसे और गलत तरीके से शुरू किए जा रहे थे बिना इजाजत के, प्रशासन को जानकारी नहीं थी इन चीजों की, तो वहां पर ये चीजें कैसे अप्लाई हो पाएंगी जो सरकार के नियम कायदों को नहीं मानते हैं, रूढ़िवादी लोग इस पर क्या अपनी राय रख रहे हैं? देखिए स्थितियां अब काफी बदल रही हैं आयुष, अगर हम कुल मदरसों की बात करें 50,000 लगभग उत्तर प्रदेश में सारे मदरसे हैं, तो इसमें मुश्किल से 4 से 5 हजार मदरसे ऐसे होंगे जहां पे इस तरह की सोच वाले मौलाना और तमाम जो उनके आलिम हैं वो मौजूद हैं। बाकी जगहों पे लोग ये मान चुके हैं कि पढ़ाई पे अगर आगे फोकस करना है, मदरसों को अगर आगे बढ़ाना है तो सरकार की जो नीतियां हैं उसके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे अब जब तक इनके बच्चे कंपटीशन बीट करके आगे नहीं जाते हैं तब तक इनको भी लगता है कि इनकी पढ़ाई उस ढंग की नहीं हो पाई है जिस तरह सोच चाहते हैं, तो इनमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत है। जो टीचर्स हैं इनके उनको भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि मदरसों के जो शिक्षक हैं उनको किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती जिस तरह के प्राइमरी स्कूल के बच्चे के साथ साथ जो उनके टीचर्स हैं उनको पढ़ाया जाता है, उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, तो एक बड़ा अभी परिवर्तन करने की जरूरत है और निश्चित रूप से सरकार का एक कदम अगर जमीन पे पूरी तरह से उतरता है तो मदरसों की स्थिति तो सुधरेगी ही। जो वहां के बच्चे हैं जो गांव में मदरसे चलाए जाते हैं खासतौर पर जहां पे परिवार के लोग इतने सबल नहीं होते हैं कि प्राइमरी स्कूल में या
फिर जो प्राइवेट स्कूल है वहां पर भेज सकें, तो उनके लिए एक बड़ा अवसर होगा, उनके बच्चों के लिए एक बड़ा अवसर होगा। और इस कदम की अगर कहें तो सराहना की जानी चाहिए, लेकिन एक सवाल वही फिर दोबारा यहाँ पे उठता है कि जिन अधिकारियों के जिम्मे इन मदरसों को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी है, इन मदरसों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, पहले उनको थोड़ा सा सरकार के द्वारा कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि किस तरह से जो शिक्षा है वो उन तक पहुंचाई जा सके। उसके बाद से जो सपना है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का वो काफी हद तक पूरा हो जाएगा। जी अविनाश, हाल में बीजेपी की बैठक हुई, वहां पर अल्पसंख्यक मोर्चे को निर्देश दिए गए कि सरकार की योजनाओं को आप लोग पहुंचाइए, अल्पसंख्यक लाभार्थी जो है उनसे बात करिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी पसमानदा मुसलमानों तक सरकार की बातें पहुंचाने का जिक्र हुआ था, क्या सरकार के इस कदम को उससे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह बाकी पार्टियों ने ट्रीट जरूर किया, लेकिन अगर उनके पिछड़ेपन का कोई जिम्मेदार है तो वही पार्टियां हैं जिन्होंने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया लेकिन उनका विकास नहीं किया, उनके सुधार पर कोशिश नहीं की, फैसले नहीं लिए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर हम चाहे यूपी की बात कर लें या फिर कई ऐसे जो खास तौर पर जो हिंदी पट्टी के राज्य है वहां की बात कर लें। देखिए सबसे ज्यादा अगर हम इलिटरेसी की बात करें यानी कि अशिक्षा की बात करें तो सबसे ज्यादा अशिक्षा मुस्लिम समाज में है, गरीबी मुस्लिम समाज में है। शायद यही वजह है कि जब पिछली बैठक हुई थी तो उसमें खास तौर पर जो पसमानदा मुस्लिम यानी कि जो पिछड़े मुस्लिम है और दलित मुस्लिम है उनको जोड़ने के लिए कहा गया, जो अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे उनको साफ तौर पर कहा गया कि जो सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप लेकर जाइए, उनको बताइए कि पिछले पांच सालों में पिछले आठ सालों में किस तरीके से मोदी और योगी सरकार ने खासतौर पर जो दलित और पिछड़े मुस्लिम हैं उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की, चाहे राशन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, जनधन योजना हो और जो दूसरी बड़ी योजनाएं हैं। तो इसी कड़ी में देखिए चूंकि वो योजनाएं दूसरी हैं लेकिन जहां बिल्कुल यकीनन एक मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की जा रही है। अविनाश दीपक, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों को लेकर न्यूज स्ट्रीट से बातचीत में क्या कहा, सुनते हैं। हम बच्चों को, क्योंकि मदरसा शिक्षा में भी गरीबों के बच्चे पढ़ते, इन गरीबों के बच्चों को एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप आधुनिक शिक्षा पे जोड़ रहे हैं, और इनके लिए हम एनसीईआरटी की क्लास हिंदी और इंग्लिश ये विज्ञान ये सब पढ़ें और उर्दू फारसी अरबी पढ़ें, इसके साथ सामाजिक विषय इतिहास से जोड़कर इन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़कर प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का काम।